Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science or truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान और आपको बहुत सुन के आनंद भी आएगा. बहुत सालों से आ रहे हैं, पहले दो शो भी उन्हीं के साथ थे, तो अब वो आज हमको कुछ और बताएंगे. आज हमको उनकी पुस्तकों पर भी आप सुन चुके हैं उनको, तो विदाउट डिले फ्रॉम जयपुर डायलॉग्स श्री संजय दीक्षित जी. वेलकम संजय जी. नमस्कार आदित्य जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार. और आपके चैनल की पॉपुलैरिटी दिन दिनों बढ़ती रहे, यही प्रार्थना रहेगी जगन्नाथ जी से. तो विदाउट डिले मैं इलेक्शन एनालिसिस देख रहा था और आप 359 के नंबर पे आए. अभी एग्जिट पोल 399 पे आया था. 399 पे आप आए और मुझे लगा कि मेरी तरफ से 450 लग रहा था मुझे कि 450 पहुंचेंगे हम लोग किसी तरह, बस 399. वन हैज टू बी रियलिस्टिक. नहीं, आप रियलिस्टिक है, आई एम ए गट फील गाय, तो मैंने इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है, तो मैं 450 पे लेके चल रहा हूं. तो एक नविका कुमार जी के साथ जब मोदी जी बात कर रहे थे 4 जून के बाद, ना उनका हौसला होगा ना हैसियत होगी, ऐसा उन्होंने बोला. तो मुझे एक, मैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर रहा था मोदी जी का, बहुत ही सीरियस, आंखों में आंखें डाल के, मींस कि ऐसा लग रहा था कि अंदर से पूरे मतलब उनको बहुत ही गुस्सा है कि भारत के विरुद्ध कितना लोग काम कर रहे हैं, मोस्टली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी मोस्टली. तो आपको 125 दिन कैसे लग रहे हैं अभी, नेक्स्ट 125 दिन 4 जून के बाद? देखिए, नेक्स्ट 125 दिन जो होने वाले हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि यहां पर तो तैयारी हो रखी है पूरी की पूरी, और ये तैयारी पहले से है. पहले से इसलिए है क्योंकि जो भी इनके हैंडलर्स हैं या जो भी इनके माइंडर्स हैं, हमारे जो विपक्ष है, उनको ये जानकारी थी, आइडिया था, और पहली बार लगता है उनको जो है वो भारत की पब्लिक का मूड पता लग गया कि भाई आएगा तो मोदी ही, और उनकी जो सारी प्लानिंग थी वो उसी हिसाब से थी. तो अब उनका जो टारगेट है वो ये है कि वो भारत के इस इलेक्शन को डीलेजिटिमाइज करेंगे. वो ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि भाई ये जो इलेक्शन हुए हैं ये सही नहीं हुए हैं, और भारत में एक्चुअली जो है वो डेमोक्रेसी एक फ्रॉड है या डेमोक्रेसी जो है एक शैम है. ये आप जो भी देख रहे हैं, जिस प्रकार के इनके प्रोनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार के ये रिएक्शंस दे रहे हैं, ये कभी ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि साहब की प्रधानमंत्री ने कम्युनल एटमॉस्फेयर कर दिया, कभी ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. तो ये सारे पॉइंटर्स एक आपको नेक्सस की ओर इशारा करते हैं, और वो नेक्सस जो है वो आपकी मतलब अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अमेरिका के जो डीप स्टेट ऑपरेटर्स हैं. अच्छा, डीप स्टेट में भी स्किज्म है. एक्चुअली डीप स्टेट में एक बड़ा तबका वो है जो वांट्स टू गेट अलोंग, वो सोचते हैं कि वन कैन डू बिजनेस विद मोदी, और ये उनको भी क्लियर है कि भाई इफ दे वांट टू डू बिजनेस विद मोदी तो उनको अपना जो आइडियोलॉजिकल बैगेज है वो किनारे रखना पड़ेगा, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि अमेरिकन सिस्टम में मनी इज एवरीथिंग, तो इफ दे कैन मेक मनी बाय पुटिंग देयर आइडियोलॉजिकल बैगेज असाइड, दे विल बी रेडी टू डू इट. और मुझे पता है, आप जानते हैं कि ब्लैक रॉक, वैंगार्ड जो है, ये सारे के सारे जो है वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत में उनकी जो डीईआई ब्यूरोक्रेसी है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक मूवमेंट शुरू हो चुका है. सो दे नो दैट if they have to go and they have to do business with Modi, business with India, business with Indian people, तो उनको ये जो तमाशा इन्होंने बना रखा है यहाँ पर, चाहे वो DEI हो और चाहे ये इनका जेंडर वाला तमाशा हो, ये सब इनको बगल में रखना पड़ेगा, किनारे रखना पड़ेगा. लेकिन मैं रेकन करता हूं कि अबाउट 70% ऑफ डीप स्टेट इज ऑफ
दिस माइंडसेट। लेकिन देर इज अनदर 30% जो कि पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं अपनी ही इमेज में, पूरी दुनिया में अपनी ही सत्ता, पूरी दुनिया में अपनी ही वैगरीज, पूरी दुनिया में अपनी ही सनक लागू करना चाहते हैं, जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग। तो ये तो फंड कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ऐसी हैं जो हैपली फंड ग्रहण कर रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सबसे पहला काम जो मोदी को करना है और मोदी करेंगे, इसके उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिए हैं। ये जो आपने बताया कि ना तो उनका हौसला है ना हैसियत है, ये जो आप इनको सेपरेट करके आइसोलेट करके देखें, आप खाली कांग्रेस को देखें या कांग्रेस के लीडर्स को देखें या दूसरे और थोड़े जो कोई छोटे मोटे ऑपोजिशन है उनके लीडर्स को देखें, तो वाकई ना तो उनके पास हौसला है ना हैसियत है, लेकिन उनको आर्टिफिशियल हौसला और हैसियत दिया जा रहा है और वो आपके यहां से दिया जा रहा है। तो दैट विल बी द नंबर वन टास्क, और उसके इंडिकेशंस दे दिए हैं, क्योंकि इलेक्शन इंटरफेरेंस की बात आपने सुनी होगी, डॉक्टर जयशंकर ने भी की थी, तो यूं ही नहीं की थी, इलेक्शन इंटरफेरेंस के सबूत भी आ गए हैं। हम लोग जो है बहुत परेशान थे एक महीने से, सडनली हमारे व्यूज जो है वो डिप कर गए, यहां तक कि जो हमारे एक कंकरेंट व्यूअर्स होते हैं वो आप ये देखिए कि यदि हमारे कंकरेंट व्यूअर्स 2500 से लेके 3000 तक होते थे तो आराम से वो 1,00,000 पहुंच जाता था। हमने देखा कि साहब कि 10-10,000 कंकरेंट व्यूअर्स भी आते हैं तो भी जो है उसकी रीच रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसको 3 दिन लगते हैं 1,00,000 व्यूज पहुंचने में। अब वो चीज क्लियर हो गई है कि यूट्यूब के जो 17 बंदे हैं उनके कॉन्वर्सेशंस पकड़ लिए गए हैं, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं कि उनका काम एक्टिवली न्यूट्रल यूट्यूबर्स को सप्रेस करना था, उनकी व्यूज सप्रेस करना था, और जो प्रो कांग्रेस या प्रो डीप स्टेट जिनको कह ले, जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस की लोकल फोर्स कुछ भी नहीं है, अब वो ग्लोबल फोर्स हो गई है। वो आप देखें तो जो सारा का सारा, अगर आप पोल डेटा देखें, माई एक्सिस इंडिया ने उन्होंने जो एग्जिट पोल किया है उसका पूरा पोल डेटा प्रकाशित किया, और उस पोल डेटा में दिखता है कि भाई क्या हुआ है कि 76% मुस्लिम्स उनको वोट कर रहे हैं, अप फ्रॉम 52%, और वो कहां से गाइड हो रहे हैं, वो बाहर से गाइड हो रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा जो डिसरप्टिव फोर्स है, इसको मोदी को टैकल करना है, दैट इज द नंबर वन प्रायोरिटी। बाकी जो चीजें हैं वो मोर और लेस ऑन कोर्स हैं। अभी इंडिया ने 8.2% जीडीपी ग्रोथ की है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो उसको देख के पूरा विश्व वैसे ही हतप्रभ है। आपके यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है, अब क्या प्रिस्क्रिप्शन है कि भाई जिस किसी को डीप स्टेट चाहेगी वही बनेगा, ट्रंप को हम बनने नहीं देंगे, या कोई और आएगा तो हम उसको बनने नहीं देंगे, हम जिसको रबर स्टैम्प करेंगे वही प्रेसिडेंट बन सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो अमेरिकन डेमोक्रेसी तो पूरी तरह से जो है वो डेड होती जा रही है और एक तरफा होती जा रही है, यहाँ पर विचार जो है दूसरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और जॉर्ज ऑरवेल की जो 1984 का जो सिनेरियो जो डिस्क्राइब किया गया था, थॉट पुलिस वाला, वो थॉट पुलिस उन्होंने जो डिस्क्राइब की थी वो सोवियत यूनियन के हिसाब से डिस्क्राइब की थी, लेकिन आज जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई वो थॉट पुलिस वाला पूरा प्रोसेस आजकल वेस्टर्न स्पेशली यूएस एकेडेमिया में दिख रहा है, अब वो धीरे धीरे बिजनेसेस में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो ये तो आपका जो पश्चिमी विश्व है ये तो डिस्टोपिया की तरफ जा रहा है, तो इसकी मजबूरियां भी हैं क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन तो है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो चाहिए। आखिरकार सारा का सारा जो डीप स्टेट पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है वो इसीलिए तो करना चाहता है ना कि भाई उसकी जो वेल्थ है उसमें किसी तरह की कमी ना आए, तो दे हैव टू डू बिजनेस विद इंडिया, ये भारी प्रॉब्लम है। तो ये जो डाइकोटमी है ये आप लोगों को रिजॉल्व करनी है, आप लोगों को सोरोस जैसों को सप्रेस करना पड़ेगा,
उनका कार्यक्रम जो है उसको अंत करना पड़ेगा, और जो लोग एक्चुअली हेल्थी बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया के साथ में, पुटिंग देयर आइडियोलॉजिकल बायसेस असाइड, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और उनको मोदी इनकरेज भी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी आप देखिए कि इकोनॉमी के अलावा और जो दूसरे क्षेत्र हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जो है भारत की, वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं उसको डिसरप्ट करने का। दे आर ट्राइंग टू ले माइन फील्ड एवरीवेयर, दैट ऑल्सो हैज टू बी टैकल्ड। दैट आई थिंक दीज आर दी अर्जेंट टास्क नेक्स्ट 125 डेज, का मतलब हुआ अगले 4 महीने। इन 4 महीनों में ये टास्क टैकल करने हैं, फिर जो फ्यूचर का विजन बनाया हुआ है, काफी कुछ तो पहले से आर्टिकुलेटेड है, लेकिन उसको जो है वो ग्राउंड पर उसका जो एक्शन प्लान है वो ले डाउन करना है। वैसे तो मोदी जी ने जब वो गए थे चुनाव मोड में, उसके पहले ही लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे मिनिस्ट्रीज को इंस्ट्रक्शन थे कि आप अपना 100 डेज का प्लान बना के लाएंगे। तो अब वो 100 डेज का प्लान जो है इस समय रिव्यू हो रहे हैं, और 100 डेज के प्लान्स जो है उनको नेक्स्ट 125 डेज में उनको कार्यान्वयन करना है उनका। तो ये मुझे लगता है कि 125 डेज के जो मोटा मोटा जो मुझे दिखता है, दीज आर द टास्क जो उन्हें करने हैं। वैसे अभी इटली जाने वाले हैं, आपको पता है, और मुझे लगता है कि इटली में वो बहुत सारे लोगों की क्लास लेने वाले हैं, और वो हमको दिखेगा। मोदी नॉर्मली दूसरे देशों के साथ में बहुत संयत भाषा का उपयोग करते हैं, बहुत ही एक तरह से मॉडरेट रहते हैं। साथ में उनके अगर डॉक्टर जयशंकर गए, तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर उनको हर स्थान पर अकॉम्पनी करे, लेकिन अगर वो गए तो ये भी एक सिग्नल होगा, और फिर डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने एटम बॉम्ब इधर उधर फोड़ेंगे। तो इटली विजिट से हमें बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि ग्लोबल स्टेज पे मोदी जी के प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी उनको जो बहुत सारी जो रेस्टिव पॉपुलेशन हैं उनको अब कंट्रोल करना होगा, उनको चुनाव की वजह से बहुत लंबा एक हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रोप दे दी गई, लेकिन नाउ इज द टाइम टू कम डाउन हार्ड ऑन दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स। जी बहुत ही अच्छा आपने समराइज किया। एक मुझे क्वेश्चन आता है कि एक मोदी जी का ट्वीट आया था जिसमें वो मेडिटेशन के ऊपर बात कर रहे थे, विवेकानंद जब गए थे कन्या तीर्थ में गए, मेडिटेशन की बात कर रहे थे, उसमें एक इतना एक हिंट जरा सा मिलता है कि मुझे डिवाइन डायरेक्शन मिली। इलेक्शन के एग्जिट पोल के जो मुताबिक हम देख रहे हैं कि 9% ही सिर्फ उन्होंने इतना सब मुसलमानों के लिए किया, किसी प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के लिए मोदी जी ज्यादा नहीं किया आज तक इतिहास में, उसके बाद में 9% ही सिर्फ उनको वोट मिला टोटल। नाइन से कम होकर सिक्स परसेंट हो गया। 9% 2019 में मिला था, अब वो कम होकर 6% हो गया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी कुछ उनको सीख मिलेगी कि इतना मुस्लिम तुष्टीकरण? सीख मिलनी चाहिए भाई। देखिए मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि इस्लाम ऐसी विचारधारा है जो कोएग्जिस्टेंस नहीं सिखाती है, वो सुप्रीमेसी सिखाती है। वो ये चाहती है कि सबको खत्म करो और अपना अपना जो है वो दबदबा कायम करो। इट इज अ डोमिनेंस आइडियोलॉजी, इट इज नॉट अ कोएग्जिस्टेंस आइडियोलॉजी। तो डोमिनेंस आइडियोलॉजी को आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। आप डोमिनेंस आइडियोलॉजी के साथ समझौता करके नहीं चल सकते। मेरे ख्याल से समझ में निश्चित आया है, क्योंकि आपने देखा कि पूरा का पूरा डायरेक्शन पोल कैंपेन का पहले फेज के बाद चेंज किया मोदी जी ने। तो वो ये दिखाता है कि उनकी समझ में स्पष्ट आ गया कि भाई इन लोगों से समझाने से कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली दिस इज अ डिसरप्टिव आइडियोलॉजी। आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, बट इस्लाम एक्चुअली एनस्लेव्स देम। सबसे बड़ा अगर कोई स्लेव फैक्ट्री है तो दैट इज इस्लाम। तो इस्लाम इज एनस्लेविंग देम, और जब तक आप इस्लाम को हेड ऑन कन्फ्रंट नहीं करेंगे, ये अमेरिका के लिए भी ट्रू है और ये आपके यूरोप के लिए भी बिल्कुल सही है। यूरोप और अमेरिका में भी आप अगर इस्लामोफोबिया की बात करके इनको फ्री पास देते रहेंगे। आई मस्ट एडमिट कि इंडिया ने तो इसको एक तरह से उन्होंने एब्सटेन किया और ये कहा कि भाई दिस फ्री पास ओनली फॉर वन रिलीजन इज नॉट ओके,
अगर आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया इज नथिंग बट अ कवर फॉर दी आई शुड से हार्ड लाइन रेडिकल थॉट दैट परवेड्स इस्लाम. तो वो कवर जो है वो हम नहीं दे सकते, इनफैक्ट वी हैव टू अनकवर एवरीथिंग. तो ये तो मोदी जी की समझ में मुझे लगता है आया है. अब इसको पॉलिटिकली वो कैसे टैकल करेंगे ये देखने वाली बात है. एक्चुअली बिल्कुल सही बोला, इस्लामोफोबिया इज यूज्ड टू साइलेंस फ्री स्पीच एक्चुअली प्रीटी मच. वो दिखता भी है, दिखता भी है हम लोगों को, अमेरिका में भी दिखता है. ये जर्मन इंटेलिजेंस का रोल है. जर्मन इंटेलिजेंस वी ऑल नो कि जर्मन जो है, जर्मनी पाकिस्तान के जैसे ही देश है, सीआईए पर ही चलता है पूरा. यूक्रेन, जर्मनी, पाकिस्तान, दीज आर ऑल कंट्रीज विच आर फंडेड फ्रॉम द यूएस बाय वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्चुअली, विच इज ऑब्वियसली द मेन ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वही फंड करती है इनको. लेकिन ये जो उनका जो इन्फ्लुएंस था थ्रू DW, थ्रू जर्मन इंटेलिजेंस, इंडियन सोशल मीडिया ऑपरेटर्स, और ये भी शायद कॉग्निजेंस में लिया गया है कि टू इन्वेस्टिगेट कि क्या पूरा गेम है अगेंस्ट द इंडियन इलेक्शंस, हाउ टू इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शंस, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद जर्मनी. क्योंकि इन सबको भी आपको इंडिविजुअली हम सबको देखना पड़ेगा, व्हाट इज द रिलेशन विद जर्मनी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप विद अदर अलाइड एजेंसीज लाइक साउथ कोरिया, वहां से भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है. व्हाट डू यू सी इन दैट? मुझे तो नहीं लगता कि जर्मनी की कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो तो एक तरह से यूएस के डायरेक्शन पर ही चलता है. आप अगर यूएस को अगर आप टैकल कर लेते हैं तो जर्मनी तो ऑटोमेटिकली टैकल हो जाएगा. ये अलग बात है कि यूएस डीप स्टेट जो है उसके बड़े अलग अलग तरीके हैं, वो एक हाथ से आपसे हाथ मिलाएगी और दूसरे हाथ से आपको तंग करेगी, इस तरह के काम भी करते हैं. तो जर्मनी को हो सकता है ये इस तरह का रोल दे दे कि भाई तुम तो तंग करते रहो, हम हाथ मिला लेते हैं. लेकिन ये सारी चीजें समझ में आती हैं. आप अगर डॉक्टर जयशंकर को सुनते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, और वो तो ओपनली कह भी देते हैं. और उस ओपनली कह देने से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा एक मैं कहूंगा कि इनको डिस्कम्फर्ट भी होता है कि यार ये तो हमारी छुपी हुई चीज थी, ये तो ओपन किए दे रहे हैं. न केवल ओपन किए दे रहे हैं बल्कि लार्ज पार्ट ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी कॉल्ड पेजरेटिवली थर्ड वर्ल्ड, उस थर्ड वर्ल्ड को, खासतौर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, साउथ ईस्ट एशिया को, इनको सबको अपने ग्रास्प में ले लिया मोदी जी ने. तो ये तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है. ठीक है, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, उनका जो हार्ड पावर इंडेक्स है मे बी 10 times that of India, 5 times, 6 times that of China. लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लगातार कम होता जा रहा है. अभी किसने कहा था, मेरे ख्याल से ट्रंप ने कहा था कि जब वो आएंगे तो वो डी-डॉलराइजेशन करने वालों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे. क्या एक्शन लोगे? खुद ही यूएस के यहाँ से ये पुट आउट किया गया है कि इंडिया, चाइना, इस तरह के जो देश हैं उन्होंने 25% डी-डॉलराइजेशन तो कर दिया है, कर दिया है. और इंडिया जो है वो काफी सिग्निफिकेंट ट्रेड अपनी जो है वो लोकल करेंसीज में ऑलरेडी करने लगा है. तो ये जो हेजिमनी है जिसको ये प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि ये प्रिजर्व तो अब होने वाली है नहीं. इसलिए नहीं होने वाली है कि अमेरिका ने इन द क्वेस्ट ऑफ ग्लोबल पावर उन्होंने अपनी जो इंस्टीट्यूशंस थी उनको डिस्ट्रॉय किया है. जो बेसिक यूनिट्स थी, जैसे सिविलाइजेशन की बेसिक यूनिट फैमिली होती है, उस जब फैमिली को ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया और आपने फैमिली को कहा कि भाई ये बीच में जो है वो हमारे और इंडिविजुअल के बीच में एक बाधा है, और इस फिलॉसफी पे, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलॉसफी जो है उसको लेके इन्होंने फैमिली यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या आप सारे इंडिविजुअल्स के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन और डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते. यू नीड इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस. भारत में तो बहुत अच्छा सिस्टम है. भारत में न केवल फैमिली है, आपका जो है आपका आपका कुल है,
कुल के बाद फिर उसके बाद जाति है, और जाति के बाद उसके बाद फिर आपका एक और ओवर आर्चिंग धर्म का सिस्टम है। ये सारी चीजें जो हैं ये भारत को बहुत ही एक हेल्दी सिविलाइजेशन बनाती हैं। अब इन्हीं को डिस्ट्रॉय करने की होड़ में लोग लगे हुए हैं। तो अभी तक तो आपने देख लिया, अभी तक तो ये जाति ही नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए हैं, फैमिली और कम्युनिटी तो बहुत दूर की बात है। और अब जो है वो भारतीय बहुत कुछ समझने लगे हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस हैव गॉट आउट ऑफ दैट मेंटल स्लेवरी। और मोदी जी के जो 5 प्रण हैं उनमें से एक जो नंबर 2 वाला है वो है मानसिक गुलामी से मुक्ति। उन्होंने जो 5 प्रण लिए हैं वो क्या है, हम कई बार नहीं विकसित भारत, ठीक है साहब, तो ये जो विकसित भारत की जो अवधारणा है, जो विकास की अवधारणा है, और भारत के विकास में, भारत में जो विकास की अवधारणा है वो अलग है। आप महर्षि अरविंदो को पढ़ लीजिए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ लीजिए, जो कि फोरमोस्ट आइडियोलॉग है भारतीय जनता पार्टी के। उनकी सबकी विकास की अवधारणा जो है वो होलिस्टिक है, इट इज नॉट प्योरली मटीरियलिस्टिक। हमारे ग्रंथों में, हमारे दर्शन में भी जो विकास है वो मटीरियलिस्टिक नहीं है अकेला। ट्रू चाणक्य नीति भी पढ़ लीजिए तो वो त्रयी की बात करते हैं, और वो त्रयी क्या है आप जानते हैं। वो जब उनके जो है वो राष्ट्र के विकास की बात आती है तो वो कहते हैं कि आन्वीक्षिकी और त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनसे विकास होता है। त्रयी क्या है? त्रयी जो है वो स्क्रिप्चरल नॉलेज है, त्रयी वेदों को कहते हैं, आपको पता है। तो भारत में जब विकसित भारत की बात होती है तो इट इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर दूसरा है मानसिक गुलामी से मुक्ति। तो इस पे तो चलना ही है, इस पे चल के ही तो ये जो पूरा जो इनका ग्लोबलिस्ट एजेंडा, सबको जो है यूनिफॉर्म बनाना, हर एक को एक जैसे पेंट कर देना, और जो नेचर ने जो हमको आपको सबको डिफरेंट बनाया है, भाई नेचर क्या करती है, नेचर सेलिब्रेट्स डिफरेंस एंड सनातन धर्म सेलिब्रेट्स डिफरेंस। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात आ जाती है कि साहब एक तरफ तो आप कहते हैं इक्वालिटी और दूसरी तरफ कहते हैं डाइवर्सिटी। अभी इक्वालिटी और डाइवर्सिटी दे आर बोथ ऑपोजिट कॉन्सेप्ट, टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। भारत अकेला ऐसा है जो कहता है कि भाई वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात कहता है, तो वो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसमें से आया हुआ है। समम सर्वेशु भूतेषु, समम सर्वेशु भूतेषु की जब बात करते हैं तो जिन भूतों की बात कर रहे हैं वो वाले भूत नहीं, घोस्ट वाले भूत नहीं नहीं तो ऑल डिफरेंट बीइंग्स, ऑल डिफरेंट बींग, चारों दे हैव द सेम एनर्जी थ्रू चारों दैम। प्रकार की प्रजा। तो वो मानसिक गुलामी से मुक्ति, उसके बाद वो कहते हैं कि विरासत की सार संभाल। जो विरासत की बात करते हैं तो विरासत अकॉर्डिंग टू हिम इज एंशियंट, 5,000 10,000 ईयर ओल्ड, विच वी शुड बी प्राउड ऑफ। और हमारा जो नेहरूवियन सिस्टम है वो क्या कहता है साहब, वो कहता है कि नहीं, उसको तो सबको डिस्कार्ड करना है, हमें तो 1947 के बाद ही तो हम बने हैं देश, उसके पहले तो हम देश ही नहीं थे। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट विचारधाराएं जो है, इनका क्लैश अब होगा, और उस क्लैश में पॉलिटिकल पावर जो है उसके साथ अलाइन होने लगी है, ये हम देख रहे हैं इस चुनाव से। और सी दुनिया में शांति तो ये कहते हैं कि भाई आपके क्या नागरिकों में एकता, सामान्य सी बात है नागरिकों में एकता होनी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ नागरिक हैं ये जो आपके जिन्होंने 6% ही वोट दिया है, ये जो नागरिक है ये उम्मत स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये यहाँ पर दारुल खलीफा लाना चाहते हैं, दारुल खिलाफा लाना चाहते हैं भारत में, तो यहाँ भी क्लैश होगा। तो आई थिंक नाउ ही इज प्रिपेयर्ड, ही इज फुली प्रिपेयर्ड। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं वो 5 प्रणों में, वो कहते हैं नागरिकों के कर्तव्य। अब आजकल के पूरे जमाने में कर्तव्य की तो कोई बात करते ही नहीं, तो राइट्स की बात कर एवरीथिंग इज रहे अबाउट राइट्स, हैं, एंटाइटलमेंट्स। एंटाइटलमेंट्स। तो मुझे लगता है कि
इस ये जो आपके जो आधारभूत संरचना है या जो नींव या फाउंडेशन है, ये जो पंच प्रण वाली, ये पांच प्रणों के ऊपर अगर कार्रवाई आरंभ होती है तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट बाय 2047 वी विल बी द टॉप्स इन एवरीथिंग, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। एक्चुअली डेफिनेटली भारत का पाथ इज वेरी ब्राइट और फेथ बेस्ड कॉलोनाइजेशन हैज डिस्ट्रॉयड द आइडेंटिटी ऑफ एवरीबॉडी। मतलब फेथ बेस्ड कॉलोनाइजेशन, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो, हम लोग देखते हैं कैथोलिक चर्च के गुलाम सारे साउथ अमेरिका है, और अमेरिका में भी देख रहे हैं कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाई चल रही है। रिपब्लिकन्स आर प्रोटेस्टेंट और डेमोक्रेट पार्टी कैथोलिक पार्टी है। पोप चाहता है बॉर्डर्स खोल दो, वो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अमेरिका काम कर रहा है, कनाडा के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स वी आर सीइंग आल्सो। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मेक्सिको, वो अमेरिका को क्या लेक्चर दे रहा है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये है The प्रेसिडेंट head आमलेट। of the DEA says cartels are mass producing fentanyl, and the U.S. State Department has said that most of it is coming out of Mexico. Are they wrong? See, yes. Oh, Or no. rather, they don't have all the Fentanyl information because fentanyl is also produced in the United States. The State Department says most of it's coming from Mexico. Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico, and the chemical precursors come from Asia. ¿Sabe por qué? You Nosotros know no why we tenemos don't have the drug consumo consumption that you have in the United States? Because we have customs, costumbres, tradiciones. traditions, and we don't have the Tenemos problem el of the problema de las disintegration of the family. But there is drug consumption in Mexico. Pero muy poco. But very little. So why the violence then in Mexico? Porque Because existe drug trafficking el exists, but not the narcotráfico. consumption. López Obrador says threats by U.S. law. यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने खुल के सुनाया फैमिली के ऊपर, और सारा ब्लेम ड्रग्स का अमेरिका के ऊपर डाला। मैक्सिको में आज इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, और वहां पे 30 कैंडिडेट से ज्यादा मार दिए गए इलेक्शन में। और मैक्सिकन जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो चल रहा है, आम लोग का वही जीतेगा, उसके उसकी एक क्या बोलेंगे शिष्या है या उसकी पार्टी के एक मेंबर है क्लाउडिया, वो बनेगी अमेरिका की, मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में शायद पहली बार हो रहा है जहां पे एक कैथोलिक कंट्री की प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल बनने जा रही है इस एरिया में। तो अब यहाँ पे मेक्सिको भी अमेरिका को लेक्चर्स दे रहा है, और उसने एक हफ्ते में 5 लाख अमेरिकन को मेक्सिको से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लोग वहां पे इन्फ्लेशन प्रोड्यूस कर रहे थे डॉलर्स के करते हुए। तो ये हम एक ग्लोबल तरह का पैटर्न भी देख रहे हैं। और अगर आप अमेरिकन इलेक्शंस को देखें संजय जी, यहाँ पे कहीं पे भी नेटिव अमेरिकन जो सनातनी वैल्यूज है उसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है। अमेरिका में एंग्लो सैक्सन क्राउड ही है टोटल। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं जयशंकर जी के मन में या आपके थ्रू कि उनके मन में ऐसा आया कि ग्लोबल साउथ में इंडिजिनस कम्युनिटीज, नेटिव कम्युनिटीज, उनको भी इंक्लूड किया जाए एज सेपरेट एंटिटी, बिकॉज उनके राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और वो सनातन धर्म के बहुत करीब भी है। व्हाट यू सी इन दैट डायरेक्शन? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। है, ये सारे कॉलोनाइज लोग हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी साउथ अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया गया है, वहां की जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, मायाज, इनकास, एस्टेक्स, इनको सबको इन्होंने ऑब्लिटरेट किया है, और जो लोग बचे हैं उनको ये इसलिए थोड़ा सा रोमांटिसाइज करते हैं क्योंकि वो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी पुरानी सभ्यता को रिकवर कर सके। कर सके बिल्कुल। यही काम ये हिंदुओं के साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू आर अ वेरी लार्ज बॉडी भाई, हम तो 1.2 बिलियन है, 1.2, 1.25 बिलियन है। और हमारे पास रिटर्न है, सारे शास्त्र रिटर्न है, इसलिए भी हाँ शास्त्र हमारे पास रिटर्न है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार रिग्रेशन होता है तो वो शास्त्र जो रिटर्न है उनकी सहायता से हम वापस रीगेन कर लेते हैं। ये बार बार हुआ है, एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। तो इनकी और खास तौर से इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया स्वयं के लिए, मुझे लगता है कि ये जो भी इनकी ग्लोबल एम्बिशंस थी या कोई और जो
फर्दर नियो कॉलोनियलिज्म था या आपके इंफॉर्मेशन के थ्रू कॉलोनाइज करने का जो भी सिस्टम था, उसके जो टूल्स इन्होंने प्रोड्यूस किए वो टूल्स इनके उल्टे पड़ रहे हैं। जो इंटरनेट इन्होंने पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन से कॉलोनाइज करने के लिए चलाया था, वही इंटरनेट जो है वो एक लिबरेशन का भी टूल बनता जा रहा है, वो आप लगातार देख रहे हैं। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है यही इनकी अनडूइंग होगा, और जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जो लगभग ऑब्लिटरेट हो चुकी हैं, या मतलब 99.9% जो ऑब्लिटरेट हो चुकी हैं, उनका भी रिवाइवल होगा। और ये जो कॉलोनाइजिंग इंपीरियल रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये धीरे धीरे समाप्त होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं इसको हाईलाइट करने वाला हूँ, ये चलेगा सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स में, सो पीपल शुड हियर दैट। एक आपने बहुत ही पिछले बार जब आए थे तो आपने रामायण के ऊपर बहुत ही अच्छे आपने नीति के बारे में बताया था रामचरितमानस से, और आपने बिल्कुल सही बोला कि रामचरितमानस नहीं होता तो शायद हम लोग भी हिंदू जो है इतना इस्लामिक इन्वेजन को झेल नहीं पाते। रामचरितमानस से हम लोग को बहुत सहायता मिली है उस समय का सोशल मीडिया रामचरितमानस था जिसने हिंदुओं को बचाया। अब आप जो इसमें 125 दिन में देख रहे हैं, क्या एक चीज हम सबके दिल हृदय में है, मंदिरों के ऊपर बहुत ज्यादा है, और हम लोग देखे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इंडिपेंडेंट है इस समय लेकिन बाकी मंदिर सब अंदर है। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी में अभी रिसेंटली चाइना जो है 50,000 अमेरिकन को बोल रहा है कि वो चाइना में स्टडी करे एज ए रूल, ये उन्होंने एग्रीमेंट किया है ताकि वो भी अपनी मानसिकता को वेस्ट में भेजे। कैसा रूल इंडिया में हो सकता है, क्योंकि हमारा तो करिकुलम ही कॉलोनाइज्ड है। हमारा करिकुलम कॉलोनाइज्ड है, हमारा एकेडमी अभी भी कॉलोनाइज्ड है। लेकिन आपने अभी जो रामचरितमानस के संदर्भ से कहा, मैं इसको थोड़ा सा आप देखें तो ये सातवें अध्याय में गीता में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आप ये देखिए कि ये जो मुगल काल था, ये वह काल था जिसमें हमारे पूरी हिंदू संस्थाएं हो या हमारी संस्कृति हो, वो सब एक प्रकार से दीनहीन पड़ी हुई थी। तो उस आर्त भाव से जो भक्ति वाला पूरा का पूरा जो एक भक्ति की जो परंपरा आई उस समय, उसने बचाया। लेकिन आज जो है वो अच्छा, उसके बाद खैर अर्थार्थी तो हर युग में होते हैं, जो केवल भगवान से जाके और ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ कि भगवान जी हमको जो है वो आप 50 करोड़ रुपए दिलवा दो तो हम आपका छत्र बनवा देंगे, ये जो ट्रांजैक्शनल जो है कि साहब हम आपको दूध चढ़ा रहे हैं, हम एग्जाम में पास कर दो, तो ये ट्रांजैक्शनल तो हमेशा रहता है। लेकिन जो मूल चीज है कि अब हम जिज्ञासु लोगों की संख्या लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी तो विरला होता है लेकिन ये जो जिज्ञासु लोगों की संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके लिए फिर मैं वही हाईलाइट करूंगा कि ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन के जो टूल्स इनका आविष्कार किया वो हमारे भी काम आ रहे हैं, और चूंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो सब्सटेंस है, वो बहुत हाई क्वालिटी का है, तो उसका इम्पैक्ट भी अधिक हो रहा है। बाकी एजुकेशन पॉलिसी तो निश्चित रूप से वो तो बहुत आवश्यक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। देखिए, मैं भी बहुत इंपेशेंट था मोदी के साथ में, और मैंने काफी क्रिटिसाइज भी किया मोदी को, लेकिन अब ग्रेजुअली आई एम रियलाइजिंग कि दिस मैन प्लेस फॉर द लॉन्ग टर्म। इसका जो मोदी का जो भी मंतव्य है वो ये है कि जो भी वो परिवर्तन लाए वो फिर अपरिवर्तनीय होना चाहिए, वो मुरली मनोहर जोशी की तरह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने टेक्स्ट बुक आती फटाफट बदल दी और जैसे ही उनकी सरकार गई वो वापस वहीं पहुंच गई, उनको फिर योगेंद्र यादव ने लग के 6 महीने में उल्टा कर दिया।
तो ये जो काम इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी के साथ में ये धीरे धीरे चले और पॉलिसी इन्होंने बना दी है, पॉलिसी के साथ साथ जो आपका फ्रेमवर्क है टेक्स्ट बुक का वो भी बना दिया है। अब मुझे लगता है कि इस टर्म में ये इसको और आगे ले जाएंगे, लेकिन ये 125 दिन का काम नहीं है, ये उसके आगे का काम है जी। तो 125 दिन में पीओके आ जाएगा? नहीं, क्यों चाहिए पीओके आपको? पीओके खाली आपको टेरिटरी में इंटरेस्ट है या उस पॉपुलेशन में इंटरेस्ट है? इट इज अ हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन। आपके पास अपनी समस्याएं कम है क्या? पहले आपको यहां पर अपनी पॉपुलेशन को डी रेडिकलाइज करके उनकी घर वापसी करानी है, ये उद्देश्य होना चाहिए आपके, क्योंकि जब तक वो इस्लाम में है वो कोएग्जिस्ट तो नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि इस्लाम की फंडामेंटल टीचिंग जो है वो डोमिनेंस है, उसको तो पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसका स्वयं का स्वार्थ है, उनको जो है वो कयामत तक जाना है, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया इस्लाम में कन्वर्ट ना हो जाए, दिस इज देयर फंडामेंटल टीचिंग। तो उनको तो आपको कन्वर्ट करना है, डोमिनेट करना है, हर तरह के साम दाम दंड भेद आपके साथ लगाने हैं। तो यदि आप सोच सकते हैं, सोचते हैं कि कोएग्जिस्ट करेंगे, तो आपके पास एविडेंस सामने, आपने सब कुछ करके देख लिया, मोदी जी ने हर तरह का काम, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया किसी भी विकास के कार्य में, नतीजा 9% से 6% पे पहुंच गए, थोड़ा और करेंगे उनको तो 6% से 2% पे आ जाएगा। अच्छा, 6% तो कोई भी नॉर्मली किसी भी स्थिति में कर देगा, तो इस हाईली रेडिकलाइज पॉपुलेशन आपको अपने आप क्यों चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि पीओके यदि आपको लेना है तो वहां की पॉपुलेशन की घर वापसी की व्यवस्था पहले करिए। ये वही क्षेत्र है जहां सबसे अधिक कत्लेआम हुआ था 1947 में, मीरपुर और कोटली के मैसकर्स जो है वो आप गूगल करके देख लीजिए, उनकी चर्चा नहीं होती है। एक एक दिन में 20,000 लोग मारे थे इन्होंने, हिंदू और सिख, माताओं बहनों ने नदी में और कुओं में कूद के जान दी थी। इस तरह की पॉपुलेशन यहां लेके आप क्या करेंगे? 20,000 एक दिन में, पूरी जो कश्मीर पंडितों की जो जिनोसाइड है ना वो 300 की है, सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। टेरिटरी अगर चाहिए भी तो गिलगित बाल्टिस्तान की टेरिटरी लीजिए ना, दैट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा ये मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया है, इसकी पॉपुलेशन का क्या करेंगे आप? इसको तो सोचना पड़ेगा ना। इसलिए भाई मेरे तो गिलगित बाल्टिस्तान और जो काराकोरम हाईवे है वो दैट रूट आई रिक्वायर, आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। और साथ में हमको तक्षशिला भी चाहिए, तक्षशिला में महाभारत बोली गई थी, जन्मजय को वैशंपायन ने बोली थी, वो भी जगह है, और शारदा पीठ भी है, तो वो जगह भी। तो उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि भाई अगर मैं 1971 में होता तो मैं करतारपुर साहिब ले लेता, और करतारपुर साहिब ले लेते ही उन्होंने पंजाब में कहा कश्मीर में होते तो शारदा पीठ भी ले लेते, वो तो उस टाइम संभव था। इंदिरा गांधी ने जो एक युद्ध जीता गया था मैदान पर हमारे सैनिकों के बलिदानों से, उसका एक शाम को भुट्टो गया आंसू दाए और वो पसीज गई। अरे भाई ये इस तरह से क्या रियल पॉलिटिक्स चलती है? इस तरह क्या देशों के बीच में समझौते होते हैं? उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध हार दिया, वह हार गई वहां समझौते की मेज पर। ये तो एक सबसे बड़ा जो अब नेहरू के 1962 से भी बड़ा एक जो कांड हुआ है वो ये शिमला समझौता हुआ है। जनरल मानेकशॉ को इन्वॉल्व तक नहीं किया गया उसमें, जरा सोचिए आप। नेहरू खानदान जो है, नेहरू और फर्जी गांधी खानदान, इसने तो इसका तो बस चले तो ये देश के टुकड़े टुकड़े करके बेच दे अलग अलग देशों को।
यहाँ भी ये हिस्सा जो है ये पंजाब जो ये जो कनाडा को बेच दिया और साहब कोई वो तमिलनाडु जो है वो आपके सैन फ्रांसिस्को को बेच दिया, ये काम कर सकते हैं ये? कोई हिस्सा पकड़ा उसको जर्मनी को बेच दिया, कोई फ्रांस को बेच दिया। भाई आज की देखिए आप, ये गंगाधर अधिकारी थीसिस जो थी कम्युनिस्टों की, कम्युनिस्टों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर करके, उसकी फिलॉसफी ये है कि भाई भारत को 18 टुकड़ों में विभाजित होना चाहिए, एक पाकिस्तान और 17 और। आज तक उन्होंने इसे रिट्रैक्ट नहीं किया है और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन बना के बैठी हुई है। गठबंधन बनाने से पहले आपने ये तो कहा, कहना चाहिए था ना कम से कम कम्युनिस्टों को कि भाई आप ऑफिशियली रिट्रैक्ट कीजिए गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर से। नहीं, वो तो खुद उल्टे जो है वो सब जगह जाके मेड इन तमिलनाडु और मेड इन कोयम्बटूर की बात करता है। उसको ये भी पता नहीं है कि जो वो टैग लगता है वो कंट्री का लगता है। तो अलग अलग इस तरह से बात करेगा तो क्या अलग अलग इतनी सारी कंट्रीज बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है हमारा पप्पू? पप्पू का नाम ही पप्पू है जिसने दिया है, पता नहीं। एक मेरे को एक पॉइंट इसमें मेरे हिसाब से पूछना है कि रिसेंटली आपके शो पे एक ज्योतिष आचार्य आए थे, उनका नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने पीओके के बारे में बताया था कि पाकिस्तान टुकड़े होंगे, कराची अलग होगा, ऐसा उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया था 2013 के बेसिस पे, और ये बताया था उन्होंने। आपका काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है वो, और वो डिस्कशन में तो जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था उस बुक के लिए, तो उसमें जो है पुलस्त्य ऋषि की नगरी बोली गई है, वो सब जगह सिंधु की जितनी नदी तट है सारे पुलस्त्य और ऋषि का संवाद भी है उसमें। तो ये सारी जगह जो थी हिंदू देश था, हिंदू हिंदू सभ्यता थी, आज भी बहुत हिंदू हैं वहां पे, आज भी हैं उस एरिया में सारे हिंदू मंदिर, अभी भी हैं, बहुत सारे तोड़ दिए गए हैं और टूटे जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू लोगों का कत्ल हुआ है वहां पे, आज भी किडनैपिंग चल रही है। क्या ऐसा प्लान नहीं हो सकता है कि जो यूएई ने जो डी रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि डी रेडिकलाइजेशन अंकित जी बोलते हैं, तो डी रेडिकलाइजेशन यूएई जो है वो हिंदू कंट्री बनेगा? बोला और अभी अभी ऑलरेडी वहां पे एक नोटिस भी आ गया है कि आप कुरान की ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते हैं विदाउट परमिशन, वो भी आ गया है। तो क्या इंडिया उसको कॉपी नहीं कर सकता? तो आ गया है, लेकिन ये खतर वालों का क्या करेंगे, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसका क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो खाली अमेरिका को कॉन्कर करने में नहीं लगी हुई है। मुस्लिम ब्रदरहुड का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू आल्सो डिसमेंटल द अदर अरब मोनार्कीज। बिल्कुल है उनका ऑब्जेक्टिव, यस। वो हाउस ऑफ सहूद को डिसमेंटल करना चाहते हैं, वो हाउस ऑफ नायान को डिसमेंटल करना चाहते हैं, वो हाउस ऑफ हाशिम्स को जॉर्डन वाले को उनको डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो सबको डिसमेंटल करने में लगे हुए। इन्होंने कतर को आइसोलेट नहीं किया था, मुझे तो पता नहीं, ये अमेरिकन जो है ना ये तो बिल्कुल ही पागल है, इनको तो होश ही नहीं है कि आगे दुनिया में क्या होना है। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, CIA अपने आप को टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी बोलती है, लेकिन दूसरी इधर उधर असैसिनेशन करने के अलावा और छोटी छोटी कंट्रीज में रेजिम चेंज करने के अलावा इसने किया क्या है? इसने तो पूरे विश्व को जो है वो इस्लामिक रेडिकल्स के हवाले कर दिया। वो यूज करते हैं उसको, उनको यूज करते हैं, जैसे कि शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है ना। आप ईरान की याद कीजिए, वहां के जो लेफ्टिस्ट थे उन्होंने सोचा कि वो ये इस्लामिक रेडिकल्स को यूज कर लेके शाह को टॉपल करने में, यूज तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? वो तूदे पार्टी जो थी, उसका नाम सुनते हैं क्या आज आप? नहीं। तूदे पार्टी का एक एक मेंबर जो है वो फांसी पर लटकाया गया, एक एक सिंगल मेंबर जो उनको हाथ में आया, एवरीवन वाज हैंग्ड। मुस्लिम ब्रदरहुड के पास जिस दिन पावर आई
उसमें ये जितने ये कोलैबोरेटर्स हैं और जितने इनको यूज करने का प्रयास कर रहे हैं सबका वही हश होगा। एक्चुअली उनका स्ट्रेटजी काफी कंफ्यूजिंग होता है, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर एक मूवी है मतलब उसको एक्यूरेटली देखें कैसे देखें, देयर इज अ मूवी इन इंग्लिश टॉम हैंक्स की है चार्ली एंजल्स वॉर, अफगानिस्तान वॉर पे है। उससे अगर आपको आइडिया होगा कि 23 साल का लड़का जब स्ट्रेटजी बनाता है तो कैसे बनाता है, तो वो एग्जैक्टली वही चल रहा है इस समय CIA में। तो ISIS भी सपोर्टेड है, कतर भी सपोर्टेड है, इसराइल भी सपोर्टेड है, और तो ऑल फैक्शंस दे आर फाइटिंग ऑन ऑल साइड्स इंक्लूडिंग इजिप्ट एंड इसराइल। तो बिल्कुल इजिप्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि भी रफा से अंडरग्राउंड टनल्स इजिप्ट में जा रही थी। आर यू गोइंग टू टेल मी दैट CIA डिड नॉट नो दिस? मालूम था होगा उनको, बिल्कुल मालूम। आज की डेट में दे आर कैप्चरिंग रफा एंड दे आर सैनिटाइजिंग द रफा इजिप्ट बॉर्डर, क्या गलत काम कर रहे हैं? सी अमेरिका इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में उनको पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा करने का। बिल्कुल है, अमेरिका एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं वाइमार रिपब्लिक स्क्रिप्ट 1918 to 1933, और लोग जाके पढ़ लें। अंकित जी ने बताया था, मैंने भी लिख चुका हूं उसके बारे में। वाइमार रिपब्लिक हुआ था वाइमार का हिटलर वही दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है। सिविल वॉर एंड हिटलर, ये दिख रहा है मुझे अमेरिका का फ्यूचर। और भारत का इस समय बहुत ही गोल्डन चांस भी है इस समय। एक मेरे से आपसे 100 million इलीगल्स हैव बीन इंपोर्टेड बाय अमेरिका लीगली, लीगल इलीगल्स। अभी कल ही साढ़े 3 लाख लोगों कल सिटीजनशिप दे दी गई है, 3.5 लाख लोग। भाई क्या देसी लोग आ जाते साउथ बॉर्डर से वो भी चल जाता था। 3.5 लाख सिटीजनशिप दी गई है कल, ये सब वोट करने वाले हैं अभी। तो वो इंडियंस जो है वो H1B की 150 वर्ष की लाइन में लगे हुए, नहीं वो क्या ग्रीन कार्ड की 150 साल की। थोड़ा रिस्क ले लेते तो पहुंच जाते बॉर्डर से तो शायद मिल जाता है सबको, बट हाँ वो तो है ना, वो लोग यही कह रहे हैं इलीगली जाओ तो चांस ज्यादा अच्छा है। तो इन समरी 125 दिन में हम कुछ काफी मेजर डिसीजन देखने वाले हैं जो इंडिया से होंगे। इनमें से क्या कोई अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज को टच कर सकता है इन 125 दिन के डिसीजन में? मेरे हिसाब से देखिए जो डायरेक्शन है वो तो पहले ही सेट है, लेकिन उनमें से क्या होगा वो अभी 125 दिन में आपके ब्रिक्स का समिट भी होने वाला है। वो ब्रिक्स के समिट में आगे जो है पूरा जो डीडॉलराइजेशन का प्रोसेस है अगर उसको और आगे ले जाएंगे तब तो फिर कॉन्फ्रंटेशन होगा। आई थिंक वॉर की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका अपनी प्रिविलेजेस इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तो वो मोदी को हटाना चाहता है। ऊपर ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन मोदी को तो हटाना चाहता है ना, कि दे डोंट वांट समवन एज स्ट्रॉंग एंड समवन एज क्लियर एज मोदी इन इंडिया। एक्चुअली अमेरिकन कॉर्पोरेट में हम लोग बहुत यूज करते थे स्ट्रेटजी, जब हम बहुत मीठा मीठा बात करें किसी के साथ इसका मतलब उसको पिंक स्लिप मिलने वाली है एक हफ्ते में, ये होता है पिंक स्लिप। तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली दिखता है जिस तरह Washington DC मैं भी था वहां पे इवेंट में, किस तरह मोदी जी गले लगाया तो व्हाइट हाउस में वो दिख रहा था कि ये वो मुशर्रफ चल रहा है पार्ट टू, कारगिल वाला पार्ट टू चल रहा है बिहाइंड द सीन, दैट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन। बट वो मोदी जी हैं, वो कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो बात अलग हो गई, पलट दिया उन्होंने पूरा। तो थैंक यू सो मच संजय जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर विजडम। मैं तो चाहता हूँ सुनता रहूं बैठ के आराम से। एंड दर्शकों को भी बोलूंगा मैं, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जयपुर डायलॉग्स को भी सब्सक्राइब करें एंड देन लेट मी नो योर फीडबैक, योर कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे उन्होंने बताया अभी, सत्यवान जी भी बहुत सरप्राइज्ड है, हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो पिछले 3 महीने से एकदम 0 पहुंच चुका है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को भी बताएं चैनल के बारे में। सो थैंक यू ऑल, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।